तो कैसे आप सब, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड बफर। अभी तक हमने इसके तीन पार्ट देखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था एसिड बेस एंड बफर का इंट्रोडक्शन। पार्ट सेकंड में हमने देखा था बफर कैपेसिटी और बफर इक्वेशन। और पार्ट थर्ड में क्या देखा था हमने, पार्ट थर्ड में हमने देखा था बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। अब स्टार्ट करें हम यहाँ पर पार्ट फोर, ठीक है। कौन सा पार्ट? पार्ट फोर। पार्ट फोर का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम यहाँ पर लेंगे इसमें सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज, ठीक है। क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज लेंगे। अब इनकी क्वांटिटी मेजर करने के बाद, ठीक है, इनकी क्वांटिटी मेजर करने के बाद इनको किसी ड्रग के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज की क्वांटिटी मेजर करने के बाद इनको किसी ड्रग के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे। ड्रग के सॉल्यूशन में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज की क्वांटिटी मेजर करने के बाद इनको किसी ड्रग के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे। क्यों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सेवरल मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज एंड अदर सब्सटेंस दैट मे बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स टू रेंडर देम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनको आगे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड दिए गए। दिस मेथड आर डिवाइडेड इन टू क्लास। अब ये मेथड कितनी क्लास में डिवाइड किए गए? टू क्लास में डिवाइड किए गए, ठीक है। कौन कौन सी? क्लास फर्स्ट मेथड और क्लास सेकेंड मेथड। क्लास फर्स्ट मेथड की दो मेथड है, कौन कौन से? क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। और क्लास सेकंड के दो मेथड है, व्हाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल मेथड। तो इनकी दो क्लास है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्रायोस्कोपिक मेथड, ठीक है। कौन सा? क्रायोस्कोपिक मेथड। अब ये क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू डिजोल्व ड्रग एंड केमिकल इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट टू मीटर, ठीक है, डिफिकल्ट टू मेजर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपनी ड्रग है उसमें कोई, जैसे ये अपनी ड्रग है, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड है, इस केमिकल के कारण हमको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी ड्रग है इसमें कोई केमिकल ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केमिकल ऐड के कारण यहाँ पर जो अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब इजी कैसे कैसे इस चीज़ को, फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। हम फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज करके इस डिटर्मिनेशन क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज करके हम इस डिटर्मिनेशन क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। बट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय ड्रग एंड केमिकली कैन बी डिटरमाइंड इजीली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो इजीली डिटरमाइंड हो जाएगा, किससे? फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करने से। अब देखो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे ये बोल रहा है फंडामेंटल एक्सप्रेशन रिलेटिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज गिवन बाय वन इक्वेशन। अब क्या बताया गया यहाँ पर, आपको यहाँ पर बताया गया फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट सी, ठीक है। क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ सी, ठीक है, ये रिलेशन है। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, डेल्टा टी एफ है। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है। और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ये क्या है, सी। यहाँ पर तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट सी। देख किस में रिलेशन है, किस में रिलेशन है, ये रिलेशन है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन में एक रिलेशन है, उसकी इक्वेशन है ये। अब आगे देखते हैं, दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर नॉन एल्क्लोराइड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ये इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई होती है, दिस इक्वेशन इज ट्रू, ये इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई होगी, ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगी, ठीक है। किसके लिए होगी, ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या होगी, ये इक्वेशन अप्लाई होगी। अब फॉर डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन द इक्वेशन। अब डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन कौन सी इक्वेशन अप्लाई है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एल आईसो डॉट सी। ठीक है, कौन सी है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एल आईसो डॉट सी। अब यहाँ पर एल आईसो डॉट इक्वल किसके हैं? आई के एफ के। ठीक है, यहाँ पर जो एल आईसो है ये क्या है? यहाँ पर जो एल आईसो है ना, ये आपको एल आईसो दिख रहा है। ठीक है, ये एल आईसो किसके इक्वल है? आई के एफ के। अभी आई के एफ क्या है? एफ है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एल आईसो डॉट सी। अब यहाँ पर सी क्या है? मोलर कंसनट्रेशन है। ठीक है, क्या है? मोलर कंसनट्रेशन है। तो ये होगी इक्वेशन डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, कौन सा है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। अब इस मेथड में देखते हैं वाइडली यूज मेथड इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन के लिए, आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, क्या आवश्यकता होती है? सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? यहाँ पर आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी। यह है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। अब इसको कैसे, अब इससे भी एक आगे मेथड है। ठीक है, इससे भी आगे एक मेथड है। अब इससे आगे शुरू होती है क्लास सेकंड। ठीक है, क्या स्टार्ट होती है? क्लास सेकंड। अब क्लास सेकंड में क्या बताया गया है? वाटर इज एडेड टू द ड्रग इन ए सफिशिएंट अमाउंट टू फॉर्म एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ड्रग में क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ड्रग में एक क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, क्लास सेकंड में। अब क्लास सेकंड का फर्स्ट मेथड है White-Vincent मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? White-Vincent मेथड। अब White-Vincent मेथड क्या है? White-Vincent डेवलप ए सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम वी। अभी वॉल्यूम के लिए इक्वेशन दी गई है, कौन सी वो इक्वेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ई एंड क्या है? 111.1। ठीक है, क्या है? 111.1 है। ये क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ई 111.1। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, किसकी इक्वेशन है ये? White-Vincent मेथड की ये क्या है? इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो आप क्या बताया गया है? V इज इक्वल टू है। ठीक है, तो V क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? वॉल्यूम है। W क्या है? वेट ऑफ द ड्रग, ड्रग का ये क्या है? वेट है। E क्या है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग। क्या है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, और 111.1 क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हो गई, किसकी इक्वेशन हो गई? White-Vincent मेथड क्या हो गई? ये इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं, अब इससे भी आगे एक Sprowls मेथड। ठीक है, क्या है? इसका क्लास सेकंड का सेकंड मेथड कौन है? Sprowls मेथड। अब Sprowls मेथड में क्या बताया गया है? सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ White-Vincent मेथड। अब क्या हुआ? जो White-Vincent मेथड था उसको भी सिंप्लीफाई करके एक मेथड दिया गया है, उसका नाम है Sprowls मेथड। ठीक है, मैंने क्या बोला? यहाँ पर जो White-Vincent मेथड है उसको भी सिंप्लीफाई करके एक मेथड दिया गया है, उसका नाम है Sprowls मेथड। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सो इक्वेशन बिकम्स V इज इक्वल टू 0.3 इंटू ई 111.1। अब इसको कैसे इवेलेट कर सकते हैं? ठीक है, आगे तो इसको इवेलेट आगे कर सकते हैं 33.33 ई। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? 33.33 ई। ये इसकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है? Sprowls मेथड क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, तो Sprowls मेथड क्या हुआ? जो अपना White-Vincent मेथड था उसको और भी सिंपल कर दिया। तो हमने दोनों क्लास देख ली है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और डेक्सोज के लिए हमने स्टार्ट किया था ये सॉल्यूशन। ठीक है, या ये मेथड। फिर इसकी दो क्लास देखी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट का नाम, क्लास फर्स्ट में दो क्लास थी, क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। क्लास सेकंड में दो मेथड थे, White-Vincent मेथड और Sprowls मेथड। ठीक है, तो हमने क्रायोस्कोपिक मेथड देख लिया था। ठीक है, और फिर सेकेंड देखा था, इसकी इक्वेशन देख रही थी, और इस इक्वेशन में फिर देखा था हमने इसका रिलेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का और डिप्रेशन का। फिर देखा था हमने सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फिर इसके बाद क्लास सेकंड में White-Vincent मेथड और सेकंड है Sprowls मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है।